ये मेरा वो भाई है जो इस साइड के अपने इस पूरे एरिया को कवर करता है। इस साइड में कोई भी गरीब बहन बेटी की शादी होती है, मेरा भाई सबसे पहले पहुंचता है। आप सभी साथियों को सबसे पहले हरस चिकारा की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल हम पहुंचे हैं झुप्पा में, और आप सभी साथियों को बता देते हैं, जो गरीब आदमी होता है, गरीब का कोई नहीं होता, ये एक सच्चाई होती है। गरीब के द्वार पर आपने कभी नहीं सुना होगा कोई नेता मंत्री आया हो कभी किसी मदद के लिए, उनका हाथ बढ़ाने के लिए। एक ऐसा ही परिवार है जिसके आज जिसके घर पर बारात आनी, जिसकी आज शादी है। ये पीछे देख रहे हो, ये टूटी ही ये झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर ही सामान रखा है, और ये भी एक पंचायती जमीन है। इस पंचायती जमीन के अंदर कुछ परिवार रहते हैं जिनके अंदर आज एक गुड़िया की, एक बेटी की, एक हमारी बहन की शादी है। उस शादी के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए हैं आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से। सबसे पहले तो आप सभी को बता देते हैं, एक डबल बेड, एक संदूक, एक अलमारी, एक सिलाई मशीन, 51 बर्तन व गैस चूल्हा, और साथ में 31,000 रूपए कन्यादान के रूप में इस परिवार को दिए, ताकि इस परिवार के वे काम आ सके। आप सभी साथियों को बता देते हैं, मेरे पास में खड़ा है मेरा भाई, आप सभी परिचित भी हो गए, संदीप लांबा दौलतपुर। ये मेरा वो भाई है जो इस साइड के अपने इस पूरे एरिया को कवर करता है। इस साइड में कोई भी गरीब बहन बेटी की शादी होती है, मेरा भाई सबसे पहले पहुंचता है। एक मेरा भाई है मोन्नू, मेरे पास में खड़ा मोन्नू भाई शिवानी झुप्पा से। आप सभी साथियों को बता देते हैं, आज तक जितनी भी हमने मदद करी है, जो भी मदद करते आए हैं, ऐसी कोई भी मदद नहीं होती जिसमें मेरे भाई का योगदान ना होता। सबसे पहले योगदान करता है, मिलना जुलना भाई से आज हुआ है। और आप सभी को बता दे, भाई ने ही बताया था कि झुग्गी झोपड़ी में यहाँ एक ज्यादा गरीब परिवार रहता है, उसकी मदद के लिए समस्त भाईचारा एकत्रित हुआ है। जितने जो भी दानवीर साथी, दानवीर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये वीडियो इसलिए आप लोग ये देखो, जो आपका दिया हुआ दान है, जो आप अपने घरों में बैठ के अपना दान देते हो, ये देखो भाई आपका दान सही जगह पे पहुंचता या नहीं पहुंचता। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, जब किसी गरीब परिवार को, गरीब बेटी को मदद की जरूरत होती है, समाज से उम्मीद की जाती है, समाज ही उस बेटी के काम आता है, उस बेटी को अपनी बेटी समझ कर जिम्मेदारी निभाता है। बाकी कोई नेता मंत्री एमएलए एमपी, मैंने तो आज तक तो किसी गरीब की मदद करता देखा नहीं है। हाँ, जब कोई चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पे उनके वोट चाहती है, उस टाइम पे नंबर बनाने के लिए इनके बीच में बैठकर खाना खाते हुए की, इनके बीच में आशीर्वाद देते हुए की फोटो झुग्गी झोपड़िया की उनकी जरूर पा जाएगी, लेकिन असलियत में जब जरूरत पड़ा है, हो सकता है ये जब मदद के लिए उनके द्वार पर भी जाए ना, बार देता है दें। इनकी हालत देखकर गरीब आदमी हिंट मिल लेगा भी के फायदा, टाइम खराब करेंगे बाहर चलो। इसीलिए हम समाज को सुधारना चाहते, समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग ही करता धरता हो, आप लोग ही मालिक हो, हमें किसी नेता मंत्री मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। समाज में जिस भाई का जुगाड़ हो, जिसके पास 2 रुपया का जुगाड़ हो, वो एक दूसरे का सहयोग करे, आपके सहयोग से ये समाज जीवित है। जो गरीब आदमी वो अमीर आदमी से ही उम्मीद कर सकता है, इसलिए ये छोटी सी एक पहल करी थी, जो पहल आज एक मुहिम बन चुकी है। इस मुहिम को बनाने में 11 साल लगे हैं, और आप सभी को बताता हूँ, टीम हरस चिकारा के साथ जो जुड़ना चाहता है, आगामी मदद के लिए सहयोग करना चाहता है, उनके लिए जो हमने नंबर डाल रखे 8 39 88 88 901, इस नंबर पर संपर्क किया करो। बाकी आप सभी साथियों को ये बता देता हूँ, जो गरीब आदमी होता है उसका भला आप अपने गांव में इकट्ठे हो कभी कर सकते हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम वहां जाकर करें। जब उनके पास कोई मदद करने वाला ना ही होता, उस टाइम हम मजबूर होके जाते हैं। इसीलिए आप सबसे एक विनती है, इलेक्शन शुरू हो चुका है, आपके गांव में जब नेता मंत्री वोट मांगना हुए, उन तक न्यूज जरूर बुझियो, वोट मांगने तो आगे, वोट के बिना आप हमारे गांव में कितने एक परिवार की मदद करके गए हो, कितने एक परिवार के काम आए हो, कितनी भाण बेटी तुमने ब्याह दी, कितनी बाण बेटिया के गरीबा के तुमने इलाज करा दिए। जब उनके पास कोई जवाब ना हो तो उनको सीधा जवाब देना, जब तुम्हारे काम में नहीं आता तेरी वोट किसी भाग यहाँ से, क्योंकि जब तक आप नहीं सुधरोगे समाज नहीं सुधरेगा। समाज हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग से बना है, और आप सबको बता देते हैं, हम सब इंसान हैं, इंसानों को ये जातियों में बांट के लड़वाते रहते हैं,
धर्मों में बांट के लड़वाते रहते, इन सब से बचे। समाज में हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। जब आप बीमार होते हो, आपका परिवार नहीं काम आए, उस वक्त आपका पड़ोसी आपके काम जरूर आएगा, को नेता मंत्री का बेटा नहीं आएगा। इसीलिए एक दूसरे से जुड़े रहो, एक दूसरे का सहयोग करते रहो, यही जीवन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने दानवीर साथियों ने जो मदद करी उसकी लिस्ट शाम तक डाल देंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। हिसार के पास के जितने साथी हैं संदीप भाई के साथ जुड़े, क्योंकि इस साइड ये भाई एक्टिव रहता, हमारा ही भाई है, एक ही चीज है। इस साइड से मोनू भाई है, शिवानी जुप्पा के जो भाई, वो मोनू भाई के साथ जुड़े, ताकि मिलजुल कर एक ऐसी टीम बनाए, ऐसा भाईचारा बनाए, हमें किसी नेता मंत्री की कभी जरूरत ना पड़े और किसी गरीब की बेटी को परेशान होने की जरूरत ना पड़े। आप सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद भाई जी का।